और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 4 प्रत्याशी बदले हैं। विरोध के बाद पार्टी ने उम्मीदवार बदले हैं। ये उम्मीदवार हैं सुमावली और पिपरिया से, जहां पर प्रत्याशी बदले गए हैं। बड़नगर और जावरा, यहां के भी प्रत्याशी बदले गए हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अब वापस जो विधायक रहे अजब सिंह कुशवाहा, उन्हें टिकट मिला है। पिपरिया से बात करें तो यहां पर गुरचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को वापस उतारा गया है। बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह वापस विधायक मुरली मोरवाल को उतारा गया है, वापस उन पर भरोसा जताया गया है। जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को मौका दिया है। विपिन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं सीधा भोपाल से। विपिन, ये भारी विरोध ही था, दबाव था, इसी वजह से फैसला लिया गया? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल काफी दबाव था। और जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे कि कमलनाथ का बंगला हो या फिर भोपाल में कांग्रेस का कार्यालय, यहां पर जो विरोध देखने को मिल रहा था यही वो 4 सीटें हैं। इसके अलावा अभी भी देखिए बता दूं आपके, 2 सीटें ऐसी और बची हुई हैं जिसमें आंवला सीट है, जहां पर निशा बागड़े जो कि डिप्टी कलेक्टर है, उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद अभी वो सीट पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन अभी वो उस पर मंथन चल रहा है, क्योंकि निशा बागड़े जब उम्मीद लगाई बैठी थी कि कांग्रेस में वो ज्वाइन करेंगी और यहां से चुनाव लड़ेंगी। बाकी जो 4 सीटें हैं इनकी भी जो मैं बात कर रहा हूं, यही वो जगह है जहां पर लगातार कमलनाथ के बंगले पर अलग अलग तरह के विरोध देखने को मिले थे। कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था तो कभी टायर जलाए जा रहे थे, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके बाद लगातार बैठक हुई और यही उम्मीद जताई जा रही कि कांग्रेस को आखिरकार इन जगहों पर कैंडिडेट बदलना पड़ेंगे। और जिन कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उसमें 2-3 जगह है, जैसे सुमावली की बात की जाए तो देखिए मौजूदा विधायक का टिकट कटा, तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा विधायक कांग्रेस से उसका टिकट कटेगा तो गुस्सा जाहिर है और दिखता है वैसे ही, तो इसलिए उसका टिकट बदला है। दूसरा पिपरिया और बाकी जावरा में भी यही स्थिति रही कि जो कैंडिडेट बदले गए थे उनको लेकर इसी तरह की बात सामने आई थी। अभी भी शुजालपुर एक सीट है, शुजालपुर की जो सीट है वहां पर लगातार 2 से 3 दिन हो चुके हैं। देखिए पूजा, यहां पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, कमलनाथ के बंगले पे पहुंच रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि यहां से जो कैंडिडेट उसको बदला जाए, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट का बता रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार है, बाहर से आया हुआ, यहां से लोकल कैंडिडेट को बदलने की मांग की जा रही। तो अभी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, स्टेप बाय स्टेप मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी और भी 2-3 सीटें ऐसी जहां पर विचार कर रही है, खासतौर पर 2 सीट जिसमें शुजालपुर है और एक और सीट है। तो इसलिए ये जो बदलाव की प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव का वक्त कम है और ऐसे में अगर प्रत्याशी जो कैंडिडेट उतारे हैं कांग्रेस ने, अगर उनका विरोध देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र में भी जिनका टिकट कटा है उनके समर्थक इस विरोध में शामिल होंगे और उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने इन 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट बदले हैं। चलिए, फिलहाल ये 4 सीटों पर उम्मीदवार बदलकर कहीं ना कहीं इस विरोध की आग को शांत करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज 24।